ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको हर चीज़ में बारीकी से समझाऊंगा तो आपको आसानी भी होगी, ठीक है, समझने में। तो इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, ज़्यादा नहीं, 7 से 8 मिनट का ये वीडियो होगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जियो के मोबाइल से, जो जियो का कीपैड मोबाइल होता है, उससे फ़ोन के मेमोरी की, जो फ़ोन के गाने हैं उसको मेमोरी में कॉपी करना सिखाऊंगा, और जो मेमोरी के गाने हैं उसको जियो फ़ोन में कॉपी करना सिखाऊंगा। इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना इस वीडियो को। अगर थोड़ा बहुत भी आप स्किप या नेक्स्ट कर देते हो तो इससे आपका पॉइंट छूट जाएगा, और बाद में आप बोलोगे कि मेरे को समझ में नहीं आया। ये भले ही आपके लिए एक नॉर्मल और छोटी सी बात है, लेकिन जो नए हैं और नहीं जानते उनके लिए बहुत बड़ी कठिन बात है, ठीक है। और जो नहीं जानते वहीं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई आपसे एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसका लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटी के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, इस तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, मैं हूँ योगेश कुमार और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल YC Tech। मैंने इसीलिए बताया क्योंकि आपको समस्या नहीं आए आगे जाकर, अगर कोई समस्या आ भी जाती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इंस्टाग्राम का, वहाँ से जाइए डायरेक्ट और मैसेज कीजिए। और वैसे अगर आप नहीं जा पा रहे तो मुझे डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके कि आपको कोई दिक्कत या परेशानी है। तो मैं बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करूँगा एक छोटे से इंट्रो के बाद, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और आपके सामने लाइव कैमरा ओपन करके दिखा रहे हैं कि जियो मोबाइल में सॉन्ग कैसे कॉपी करते हैं फ़ोन के, तो मेमोरी में और मेमोरी के फ़ोन में कैसे गाने कॉपी किए जाते हैं जियो के मोबाइल में। अभी आपको लाइव दिखाएंगे, ये हमारे पास जियो का सेट है, देख रहे हो आपके सामने, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, इसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है, सेम इसी तरह, ठीक है। यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे होम पेज आएगा, तो हमें बीच वाले जो फ्रंट है मतलब एप्लीकेशन निकालते हैं वो निकाल लेना है और फाइल मैनेजर में जाना है। कुल मिला के बात ये है कि आपको फाइल मैनेजर में इसकी में चले जाना है, ठीक है। तो मैं इसको फाइल मैनेजर में ले चलता हूँ, ठीक है। अब मैं फाइल मैनेजर में चला गया हूँ। वैसे आपको पता है कि जियो मोबाइल में जो इसके बटन होते हैं वो बहुत ही कम काम करते हैं, ठीक है, आप सभी को पता है। तो अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप मेरे को बोल देना, ठीक है। वैसे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, इसके सारे बटन मानते हैं लगभग लगभग, है ना। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, फाइल मैनेजर में आ जाना है। तो यहाँ पे आपके सामने दो चीज़ शो कर रही है, एक तो इंटरनल मेमोरी और SD कार्ड, देख पा रहे हो आप। इंटरनल में भी ओपन होने का ऑप्शन आ रहा है, और जो सॉरी और SD कार्ड में भी ओपन होने का आ रहा है। मैं आपको बारीकी से सारी चीज़ समझा दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसके स्विच थोड़ी कम मान रहे हैं, यहाँ पे देखिए ओपन आ चुका है लिखा हुआ, ठीक है, SD कार्ड, और यहाँ पे देख पा रहे हो ओपन, इसी तरह इंटरनल में आएगा, ठीक है। अब हमें आपको बताना है कि फ़ोन के SD कार्ड में कैसे कॉपी करें और SD कार्ड के फ़ोन में कैसे कॉपी करें, यानी इंटरनल मेमोरी के तो SD कार्ड में कैसे कॉपी करें, SD कार्ड के इंटरनल में कैसे कॉपी करने हैं, यही चीज़ आपको हमें इस वीडियो में बतानी है। तो सिंपली आपको अपना SD कार्ड ओपन कर लेना है। सबसे पहले मैं मेमोरी के गाने आपको इंटरनल स्टोरेज में ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं SD कार्ड को ओपन कर लिया हूँ, और यहाँ पे देखिए कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह और ये सॉन्ग वगैरह आ चुके हैं, ठीक है। तो हम करेंगे यहाँ से ये सॉन्ग कॉपी, ठीक है, LKK.MP3, क्योंकि ऊपर वाले तो आप देख रहे हो सभी सेम सेम हो रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि यार मतलब सेम ही है पहले से था और ये फिर से हमें बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ये सॉन्ग है LKK.MP3 में आपको दिखाऊंगा। अब आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऊपर का जो बटन दिख रहा है यहाँ पे देखिए ये रेड कलर के ऊपर, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए कॉपी और मूव दो ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो कॉपी अगर आप करोगे तो यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करना है। कॉपी से ये होगा कि यहाँ से ये सॉन्ग मेमोरी कार्ड में भी होगा और SD कार्ड में भी, सॉरी इंटरनल स्टोरेज में भी होगा। कॉपी से ये होगा कि यह अगर हम फ़ोन में डालेंगे तो SD कार्ड में अवेलेबल रहेगा, दोनों में मतलब हो जाएगा। और अगर मूव करते हैं
तो ये फ़ोन यहाँ एसडी कार्ड से डायरेक्ट फ़ोन में चला जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। ये सॉन्ग खेलने का मतलब इस एसडी कार्ड में नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमें तो कॉपी करना है, तो यहाँ पे कॉपी करेंगे, ठीक है। तो कॉपी पे कर दिया हमें क्लिक, ठीक है, ये हमने कॉपी में कर दिया, इस पर क्लिक किया, फिर किया क्लिक। अब देखिए यहाँ पे कैंसल, ओपन और पेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली हमें इन किसी पे भी ध्यान नहीं देना है, जो ये रेड कलर का बटन है, ठीक है। कॉपी करने के बाद ये रेड कलर का बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे अब आना है इंटरल पे, ठीक है। ये ऊपर वाले बटन पे दबा के इंटरल पे आना है, तो मैं इंटरल पे चला जाता हूँ और ओपन इसको कर लेता हूँ। अब जैसे ओपन किया तो यहाँ पे देखिए, अगर आप बाहर पटकना चाहते हो तो यहाँ पे डायरेक्ट इस रेड वाले पे पेस्ट ऊपर पे दबा के पेस्ट कर दो, यानी बाहर पटकना चाहते हो। और किसी फोल्डर में पटकना चाहते हो, जैसे म्यूजिक का फोल्डर है, तो इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ रेड के ऊपर वाले बटन पर दबा के, ठीक है। तो देखिए आइटम कॉपी, आइटम ये कॉपी हो चुका है। मैं ओपन करता हूँ इसको, ये देखिए एल के के और हेली 25। अब इसी तरह मैं दोबारा आपको ये करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एसडी कार्ड में जाना है, ठीक है, वही तरीका अपनाना है, सॉरी, एसडी कार्ड में जाना है। एसडी कार्ड में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वही जो नीचे में दिखा रहे, ठीक है, एल के कुछ था और एक जो है लिखा था, ठीक है, हेली पॉइंट 25 था, तो हेली 26 का हम कॉपी करेंगे। इसी तरह हम ऑप्शन पे क्लिक करना है, नीचे आना है, ठीक है, कॉपी कर लेना है यहाँ पे कॉपी, और फिर वहीं चलना है रेड वाले बटन पे दबा के, ठीक है, और इंटरल, और यहाँ म्यूजिक पे, फिर वहीं रेड के ऊपर वाला दबाना है, हमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि कितने आइटम कॉपी उसके दिए, आइटम कॉपी लिखा हुआ आ चुका है, हेली 25, हेली 26 और एल के। अब आपको सिंपली यही सॉन्ग वापस अपने जो फ़ोन के है वो एसडी कार्ड में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हेली वाला, जैसे मान लो हमें हेली 25 वाला वजन लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखिए ऑप्शन पे वहीं रेड के ऊपर वाले भी क्लिक करूँगा, इधर से कॉपी करूँगा, ठीक है। इधर से कॉपी किया तो यहाँ पे अब क्या करना है, मतलब कॉपी नहीं हुआ, ठीक है, नहीं कॉपी हो चुका है, तो अब चलेंगे हम बैक, ठीक है। यहाँ पे बैक चलेंगे, एसडी कार्ड में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे किस फोल्डर में, चलो ब्लूटूथ वाले फोल्डर में हम डाल देते हैं, बाहर तो पहले ही पड़ा है, ठीक है, पहले से ही पड़ा है बाहर, तो ब्लूटूथ वाले में यहाँ पे क्लिक करेंगे पेस्ट वाले पे, रेड के ऊपर वाले पे, और इसको कॉपी कर देंगे। ये देखिए कॉपी हो चुका है, ठीक है। अब आप ब्लूटूथ वाले फोल्डर में जाएंगे और देखेंगे कि जो हमने वजन कॉपी किया था सॉन्ग, वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, और पल्ले हो गया, ठीक है, इस तरह से। और अभी इस तरह से एक बार और बता देता हूँ, इंटरल में जाएंगे, ठीक है, और इंटरल में जाएंगे, मतलब अपने फ़ोन की मेमोरी में जाएंगे, म्यूजिक में जाएंगे, और यहाँ से एल के वाला उठा लेते हैं, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कॉपी क्लिक करेंगे, कॉपी हो चुका है। अब चलेंगे वहीं बैक रेड वाले बटन पे क्लिक करके, और फिर यहाँ पे चलना है, यहाँ पे फिर बैक चलना है थोड़ा, और एसडी कार्ड में आना है। एसडी कार्ड में आने के बाद फिर से ब्लूटूथ पे आना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये पेस्ट हो चुका है। अब देखिए इसको मैं ओपन करता हूँ आपके सामने ब्लूटूथ वाले फोल्डर को, ठीक है। तो ये देखिए दोनों वजन कॉपी हो गए। इस तरह से आपको फ़ोन के मेमोरी, फ़ोन के सॉन्ग मेमोरी में और मेमोरी के सॉन्ग फ़ोन के कॉपी कर लेना है। ये जियो के मोबाइल के लिए है, ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है जो मैंने इस वीडियो में बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे हम अगले वीडियो की ओर।